नमस्कार, आप देख रहे हैं NM की न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में अगले साल होगी लिपिक की भर्ती। जिले में ज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों को अब नए साल में लिपिक मिल सकेंगे। शासन के लिपिकों का चयन ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने के निर्देश दिए हैं। समय सारणी 16 दिसंबर से बढ़ाकर 16 जनवरी 2023 तक कर दी गई है। समय सारणी में संशोधन करने की वजह प्रक्रिया का ऑफलाइन करना बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भर्ती के लिए कॉलेजों के प्रबंधक रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं। उन्हें रिक्त पद घोषित करने के लिए और समय दिया गया है। सरकार एडेड माध्यमिक कॉलेजों में जुगाड़ से लिपिक बनाने का रास्ता बंद कर चुकी है। इसके लिए अभ्यर्थियों को चरणवार कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। ये बदलाव कॉलेज प्रबंधकों को रास नहीं आया है, इसलिए अब तक अधिकांश ने सभी रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार करीब 1700 रिक्त पद घोषित किए गए हैं, जबकि विद्यालयों में खाली पद लगभग 3000 हैं। भर्ती के नियमों का शासनादेश 25 नवंबर 2021 को जारी हुआ और 4 जुलाई को शासन ने चयन की समय सारणी घोषित की थी। माध्यमिक शिक्षा ने 14 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। विशेष सचिव SP सिंह ने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि कैबिनेट ने लिपिकों के चयन के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से लिए जाने पर मोहर लगाई है, ऐसे में अब ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। भर्ती के नियमों का शासनादेश 25 नवंबर 2021 को जारी हुआ और 4 जुलाई को शासन ने चयन की सीमा सारणी घोषित की थी। माध्यमिक शिक्षा ने 14 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। विशेष सचिव SP सिंह ने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि कैबिनेट में लिपिकों के चयन के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से लिए जाने पर मोहर लगाई है, ऐसे में अब ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। यह भी लिखा है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लेने में कठिनाइयां सामने आएंगी। इसमें समस्या यह भी है कि अगले संस्थाओं के लिए लिपिकों का चयन होना है, इसमें कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं है। प्रस्ताव में चयन के लिए 1 माह का समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार करके चयन अब 16 जनवरी 2023 तक कराने का निर्देश दिया है।